नमस्कार सत्यराम, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अलग अलग तरह के जो हमारे उसके मैदा के जो पपड़ियाँ होती है वो बताने जा रही हूँ। आप उनको सांखे भी बोल सकते हो, मठरी भी बोल सकते हो और पपड़ी भी बोल सकते हो। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर मैदा, अजवाइन मैंने लिया है, कसूरी मेथी ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद हो तो आप डाल सकते हो। और यहाँ इसके अलावा आप हरा धनिया काट के भी डाल सकते हो। इसके लिए मैंने लिया है नमक, हल्का छोटा सा मैं लूँगी एक चिमटी मीठा सोडा और तेल। इसमें हम मैदा के अलावा सूजी भी ऐड कर सकते हैं और हम आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसका डो बनाएंगे। अलग अलग प्रकार की मठरी या इसको नमक पारे भी बोलते हैं, सांखे भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ मैदा। ये मैंने 1 किलो मैदा लिए। यहाँ पर एक छोटी कटोरी में सूजी मिला रही हूँ। आपको बताती हूँ मैं कितनी छोटी कटोरी मिला रही हूँ। देखिए गाइज, ये ऑप्शनल है, आपको अगर करारे नमक पारे पसंद है तो आप सूजी मिलाइएगा। ये देखिए छोटी कटोरी में सूजी मिला रही हूँ। और ये हमारा जो आटा है ये नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा बारीक पिसा हुआ है ना ज़्यादा मोटा पिसा हुआ है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप मैदा के ही बनाना चाहते हो तो केवल मैदा का ही आटा आप लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए आटा मिला रही हूँ, क्योंकि मैदा हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है। तो आटा जो है वो नमक पारों के लिए बेस्ट है। ये करीबन 3 कटोरी मैंने यहाँ पर आटा मिलाया है। ये देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डाल रही हूँ अजवाइन। आपको अगर जीरा या सौंफ का टेस्ट पसंद हो तो आप डाल सकते हो, बट नमक पारे हैं अजवाइन से ही बनते हैं। और अजवाइन हमारी भोजन को पचाने में मदद करती है। इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, आप इसकी जगह हरा धनिया भी यूज कर सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इस तरीके से लेके, आप इस तरीके से चूरा करके आप इसमें डाल सकते हो। स्वाद अनुसार मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इसमें मैं हल्का सा मीठा सोडा डाल रही हूँ, आप चाहो तो डालिए, ये ऑप्शनल है। इससे खस्ता बनती है हमारी मठरी। मैदा बहुत गरिष्ठ होता है इसको पचाने के लिए। इसमें हमने अजवाइन डाली है। ये मैं मोयन के लिए तेल डाल रही हूँ, करीबन मैंने 1 कटोरी यहाँ पर तेल डाला है। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से आटे को मैश करूंगी। ये देखिए इस तरीके से पूरे आटे को मैं मैश करूंगी। गाइस, अगर आपको ये नमक पारे थोड़े से आपको इस तरीके के चाहिए कि थोड़ा सा आपको चरकापन महसूस होए, तो आप आधा टेबल स्पून इसमें मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। बट मैं यहाँ ये देखिए इसी तरीके के बना रही हूँ, नमक के ही बना रही हूँ। ये अच्छे से इसको मैं मैश कर रही हूँ। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहो तो दोनों हाथों का आप इसमें उपयोग कर सकते हो। देखिए इस तरीके का हमारे पास आटा हो गया है, देखिए तेल की वजह से। और अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे का डो लगाते जाएंगे। देखिए आप इसमें दही का उपयोग भी कर सकते हो, दही ना हो तो छाछ का भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर पानी का ही उपयोग कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लगा लगा के साइड में रखती जा रही हूँ मैं। इसका डो न तो ज़्यादा टाइट लगता है न ही ज़्यादा पतला लगता है, पूड़ी का डो जैसा होता है वैसा डो हमें इसका लगाना है। ये देखिए
इस तरीके से मैंने ये दो बना के अलग रख दिए हैं और अब मैं इसका तीसरा पेड़ा बना के अलग रखूंगी। ये देखिए ये डो हमारा बन के तैयार है। अब ये जो हाथों पे लगा हुआ है उसको हम छुड़ा लेंगे, देखिए। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, ये देखिए करीबन इतना मैं एक चम्मच तेल डाल रही हूँ। और इसको सारे डो को हम इस तरीके से तेल में चारों तरफ लगा लेंगे, देखिए तेल इसके लग गया है। और अब इस आटे को हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके लिए आप इस पे एक थाली ढक सकते हो। हम इससे बड़े से छोटा कटोरा ले रहे हैं और इसको हम रेस्ट करने के लिए कम से कम भी आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए गाइस अब हम चेक करेंगे, करीबन आधा घंटा हो चुका है कि देखिए डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको किसी और बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये पोर्शन मैं तोड़ूंगी, देखिए। और इसको हमें ढककर रखना है, ये देखिए ये सूखना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमने दूसरा बाउल रख दिया है और ये बड़ा है, इसमें आटा अच्छे से मैश होता है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से ये देखिए ये लोया हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इतने ही साइज का बड़ा लोया लेके आप बेल सकते हो, नहीं तो आप इसके दो पोर्शन आप कर सकते हो। देखिए ये देखिए ये डो हमारा तैयार है। आप इस तरीके से दो पोर्शन करिएगा और इस तरीके से लोया बनाइएगा, ये देखिए। और अब हम हमारे जो नमक पारे हैं जिनको सांखे भी बोलते हैं, मठरी भी बोलते हैं वो, और इसको खाजा भी बोलते हैं, वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए। देखिए गाइस हम ये थोड़ी मोटी एक रोटी बेल रहे हैं। रोटी बेलने से पहले गाइस आप बेलन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। नीचे आप जिस पत्थर पे आप कर रहे हो स्लैब पे उसको भी ग्रीस कर लीजिएगा। आप चकले पे, थाली पे, कहीं पे भी आप कर सकते हो, ये देखिए। और ये देखिए गाइस हमने इस तरीके के आकार के तीन ढक्कन लिए हैं, देखिए छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। आप यहाँ पर कटोरी भी ले सकते हो। इन ढक्कन को हमने ग्रीस कर लिया है। ये अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने और अब हम इसकी देखिए इस तरीके से शेप की कटिंग करेंगे। ये कटनी लगा था इसलिए मैंने दोबारा लगाया है, देखिए कटनी लग रहा है इसमें। ये गाइस आप इस तरीके की लेना जिसकी किनारी हो, नहीं तो कटनी लगता। ये दो डिजाइन हमारी बन जाएगी इससे, ये देखिए। अब ये साइडों को हम निकाल देंगे, ये देखिए ये साइडों को हमने निकाल दिया है। देखिए सबसे पहले ये बड़ी वाली बड़े वाले शेप को लेंगे, बड़ी पूड़ी को, उसके बाद में हम उससे छोटी वाली को लेंगे। देखिए आप इस तरीके से बीच में हम कर लेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए। अब सबसे जो छोटी वाली थी उसको उठा रही हूं मैं, ये देखिए। और अब इसके बीच में मैं एक लौंग घुसा रही हूं, ये देखिए लौंग है हमारे पास, देखिए। और अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे और इसी तरीके से मैं और भी बना लूंगी, ये देखिए। सबसे पहले मैंने बड़ी पूड़ी ली, फिर मैं उससे छोटी ले रही हूँ,
फिर मैं ये सबसे छोटी ले रही हूँ, आप इससे छोटी भी ले सकते हो, ये देखिए उससे छोटी मैंने ले ली है। और इसके अंदर मैं ये लौंग डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मैंने पीछे घुसा दिया है, देखिए आप। और अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। ये लौंग देखिए आ गया पीछे, बहुत अच्छा शेप हमारा आने वाला है ये इससे। ये गोल्डन ब्राउन हमारी हो गई है और अब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, देखिए आप। ये देखिए कितनी गुड लुकिंग हमारी लग रही है, देखिए आप देख सकते हो। गाइज आप जब ये पूरी बेलते हो तो आप फोक की सहायता से, चाकू की सहायता से आप इस पे निशान बना दीजिएगा तो ये फूलेगी नहीं। ये देखिए कितनी करारी क्रिस्पी हमारी जो है डिजाइन ये बन के तैयार हुई है। ये देखिए ये मैंने थोड़ी करारी करी है, गोल्डन ब्राउन ज्यादा हो गई मेरी। आप चाहो तो थोड़ी सी हल्की गोल्डन ब्राउन होने पर भी आप बाहर निकाल सकते हो। और ये आप अभी दीपावली पे ट्राई जरूर कीजिएगा, आप जब इनको बनाओगे और ये अलग से आपकी एक्टिविटी नजर आएगी तो गेस्ट जो है आपकी तारीफ करे बिना नहीं थकेंगे। आप एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा इस तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज।